दार्जिलिंग की जो समस्या है काफी समय से लंबित है। भारतीय जनता पार्टी पहाड़ के विकास और पहाड़ के जो निवासी उनके विकास के लिए हमेशा प्रयासरत रहा है। जो भी पहाड़ की समस्या है वो चर्चा और वार्ता के माध्यम से समाधान हम चाहते हैं। पहाड़ के भाई बहनों के ऊपर ममता सरकार ने जो अत्याचार किया है कभी नहीं हुआ, दिनों दिन घर में चूल्हा नहीं जला, माताओं रोते रहे, घर से बेघर होकर सैकड़ों लोग बाहर रहे, वो दिन हम भी देखे। और उस समय किसी नेता की हिम्मत नहीं हुई पहाड़ जाने की। मैं खुद दिलीप घोष गया था अपने भाई बहनों से मिलने के लिए और नीचे से हम लोगों ने यहाँ से रेशन भेजा बार बार, रास्ता में गाड़ी को रोक करके टीएमसी के लोगों ने छीन लिया सारा चीज। आज दिन आ रहा है भारतीय जनता पार्टी की सरकार बंगाल में बनते ही हम पहाड़ की समस्या समाधान में पूरा शक्ति लगाएंगे और देश में 125 करोड़ जो गोरखा भाई बहन हैं उनके समस्या का समाधान उनके विकास के लिए हम हमेशा प्रयासरत हैं और जो स्थानीय समस्या है उसका समाधान के लिए भी हम लगातार केंद्र सरकार से वार्ता रखे हुए हैं। इसलिए आगे की जो दिन आ रही है हम पूरी जोर शोर से आपके पीछे खड़ा रहेंगे। जिन सरकार ने 10 साल तक ममता सरकार ने आपके लिए कुछ नहीं किया सिवाय आपको कष्ट दिया, आपका इतना सत्यानाश किया, टिम्बा टूरिज्म को खत्म कर दिया, आज लोगों के पास पहाड़ में काम नहीं है। इसलिए तब पहाड़ सुधरेगा जब भाजपा सत्ता में आएगा। मैं फिर एक बार बोलता हूँ हम हमेशा पहाड़ के साथ रहे, पहाड़ निवासियों के साथ रहे, आगे भी रहेंगे और आपकी समस्या का समाधान के लिए हम हमेशा प्रयासरत रहेंगे।